हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नाज रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर मखनी मसाला। ज़्यादातर जब भी हम कभी ढाबे में या रेस्टोरेंट या घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है तो एक पनीर की सब्जी बनाकर ज़रूर तैयार करते हैं। तो आप भी ज़रूर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ पनीर मखनी मसाला बनाकर तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से मैंने ये पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार की और यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तभी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि हमने इसमें ना तो कोई क्रीम ऐड करी है, उसके बाद भी ये सब्ज़ी इतनी क्रीमी बनी थी कि जब आप बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर मखनी मसाला। तो सबसे पहले हम जो है पनीर की सब्जी के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। वो प्याज को जो है कलर चेंज होने तक तेल में फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का जो है कलर यहाँ पे चेंज होने लग गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि प्याज के साथ जो है लहसुन भी अच्छी तरह से पक जाए। लहसुन को और अदरक को मैंने एक साथ कूट लिया था। और प्याज के साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो हमारा प्याज और लहसुन यहाँ पे अच्छी तरह से भून गया, आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये काजू। काजू डालने से जो है हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी भी होगी और क्रीमी बनेगी। तो आप यहाँ पे जो है काजू की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं। काजू को भी जो है 1-2 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो प्याज अदरक लहसुन और काजू को हमने जो है अच्छी तरह से भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। और टमाटर के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है जल्दी पक जाए। और नमक को जो है एक अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन टमाटर को जो है हम पकने देंगे। तो यहाँ हमारे जो टमाटर है ये अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इस मिक्सचर को हम एक मिक्सी जार में निकालेंगे और जिसमें हम पीस कर तैयार करेंगे, लेकिन इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही जो है इसको पीसेंगे। तो इसे जो है ठंडा होने देते हैं। तो जब तक हमारा टमाटर प्याज का मसाला ठंडा हो रहा है, अब हम जो है पनीर को सेलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप सेलो फ्राई की जगह पनीर को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है जिस कढ़ाई में मसाला बनाकर तैयार किया था उसी कढ़ाई में जो है घी डाल लिया है। अब घी को जो है थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हमने जो है घर का बना हुआ ही पनीर का यहाँ इस्तेमाल किया है। आप पनीर बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम आसानी से जो है घर पर पनीर कैसे बना सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट पनीर हम घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उस रेसिपी को भी देखिए। तो यहाँ मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में पनीर को काट कर तैयार कर लिया है। तो सारे पनीर को मैं इस घी में डाल दूँगी और इसे सेलो फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा सा कलर चेंज होगा इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारा जो पनीर है दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पनीर है ये अच्छी तरह से जो है सेलो फ्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस फ्राई किए हुए पनीर को हम इस नमक वाले गर्म पानी में डाल के रख देंगे। इससे जो है हमारा पनीर जो है वो टाइट नहीं होगा। जब तक हमारा पनीर फ्राई हुआ है हमारा टमाटर प्याज का जो मिक्सचर है वो भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम जो है इसको पीस कर तैयार करेंगे। तो चलिए पीस लाते हैं। तो पीसते समय मैंने इसमें जो है दूध का इस्तेमाल किया क्योंकि इसको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो
तो पानी की जगह यहाँ दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी हो तो आप भी दूध का इस्तेमाल करें। दूध डालने से हमारी जो ग्रेवी है वो और भी क्रीमी बनेगी और पानी नहीं छोड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी का टेक्स्चर है वो कितना अच्छा रहा है। तो चलिए अब हम जो है पनीर की जो हमारी सब्ज़ी है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई में अब हम जो है ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था। तो पनीर फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया था। तो इसी घी में हम थोड़ा सा तेल और डाल देंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे और घी भी डाल सकते हैं और घी की जगह वही बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा घी और थोड़े से तेल डालकर इस सब्ज़ी को बनाकर तैयार किया है। इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा हमारा जो है क्रैकल हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मसाले को ध्यान से अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हमने जो एक ग्रेवी बनाकर तैयार करी है वो डाल देंगे। तो मसालों के साथ जो ग्रेवी है उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जार को हम जो है एक बार अच्छी तरह से साफ करके और सारी ग्रेवी को निकाल लेते हैं। तो ग्रेवी को जो है एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बाकी के बचे हुए मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। तो हाथों से क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे, गरम मसाला, काला नमक, नमक। तो यह मसाले जो है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कसूरी मेथी को और इन सभी मसालों को एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमारी ये जो ग्रेवी है अभी गाढ़ी है क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसे थोड़ा सा पतला करना है। तो यहाँ पतला करने के लिए आप इसमें जो है गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पानी न डाल के ये दूध डाल रही हूँ। तो ये रूम टेम्प, ना ये ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, और रूम टेम्परेचर पे ये दूध रखा हुआ है। तो इस दूध को हम जो है इस ग्रेवी में डाल देंगे। इससे जो है हमारी ग्रेवी की जो क्रीमीनेस है वो एज इट इज रहेगी। और एक बार हम जो है इसे लगातार ही हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसमें एक उबाल आ जाए। तो यहाँ हमारी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से उबल गई है और यहाँ हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार, आप देख सकते हैं। तो हमें जो है पनीर के लिए इस तरीके की ग्रेवी ही चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब हम जो है इसमें पनीर डाल देंगे। तो मुझे ये जो सब्जी है जस्ट बनाते ही सर्व करनी है, इसलिए मैं पनीर इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो पनीर जब भी ऐड करें जब आप इस सब्जी को सर्व करें, क्योंकि ग्रेवी को अगर हमें बार बार गर्म करनी पड़ेगी तो उसकी वजह से जो है पनीर टाइट हो जाता है। तो आप जब इस सब्जी को सर्व करें तभी इस पनीर को इस ग्रेवी में डालकर करें, नहीं तो ये जो पनीर है ये टाइट हो जाएगा और रबड़ की जैसे जो है हमारा पनीर लगने लगेगा। तो अब जो है हम पनीर डालकर इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे हम ये लंबी कटी हुई हरी मिर्च। तो पनीर डालकर 1-2 मिनट हमने जो है इस ग्रेवी के साथ इस पनीर को पका लिया है। और आप देख सकते हैं हमने इसमें जो है कोई भी क्रीम ऐड नहीं करी, उसके बाद भी हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी क्रीमी बनी है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। हरे धनिया की पत्तियां डालकर इसे फिनिश कीजिए। मेरे पास अभी धनिया नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ हमारी ये पनीर मखनी बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जब ये बनाई तो ये कैसी बनी। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।